एफडीआई डेस्टिनेशन में से एक है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में एफडीआई आने की गति बढ़ी है और एफडीआई के मेरे दो मीनिंग है, जब जरूरत पड़े उस समय मैं उसका उपयोग करता हूं। एक एफडीआई पॉपुलरली नोन एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मेरा दूसरा है फर्स्ट डेवलप इंडिया। पिछले 20 वर्षों में जितनी एफडीआई देश में आई उसकी लगभग 50% पिछले 5 वर्ष में आई है। हमने पिछले सालों में अपनी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस में भी व्यापक सुधार किया है। आज दुनिया का तीसरा बड़ा, सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम अगर कहीं है तो हिंदुस्तान में है। देश में इनोवेशन और एंटरप्राइज का एक नया वातावरण बना है। आज दुनिया के ज्यादातर निवेशक भारत की तरफ पूरे विश्वास और आशा के साथ देख रहे हैं। भारत की क्षमता को लेकर दुनिया में अभूतपूर्व भरोसा उत्पन्न हुआ है। साथियों, इसी पॉजिटिविटी के आधार पर हम 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी की तरफ बढ़ने वाले हैं। आने वाले वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100 लाख करोड़ रुपए का निवेश, आप कल्पना कर सकते हैं कितनी बड़ी ताकत मिलेगी। देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर 25 लाख करोड़ रुपए का निवेश इस लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत बड़ी मदद करेगा। हर घर तक जल पहुंचाने के लिए होने वाला 3.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश इसे नई शक्ति का संचार करेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 करोड़ नए घरों का निर्माण हो या हर देशवासी तक अफोर्डेबल हेल्थ केयर पहुंचने का संकल्प हो, किसानों की आय को 2 गुना करने का प्रयास हो या देश के लाखों एमएसएमई और करोड़ों सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए आसान फंडिंग, ऐसे अनेक प्रयास 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी को प्राप्त करने के लिए हमारे संकल्प को नई शक्ति देते हैं, नया विश्वास देते हैं। साथियों, भारत की अर्थव्यवस्था को करीब करीब 2 गुना करने के लिए हमारे प्रयास सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। इसके लिए हम राज्यों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, मेक इन इंडिया को विस्तार देने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी और डिफेंस के क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग यह हमारी प्राथमिकता में है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को लेकर हम तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। साथियों, इस सारी बातों के बीच अर्थव्यवस्था को लेकर आज जो चर्चाएं हो रही हैं, मैं उससे भली भांति परिचित हूं और जो भी कहा जाता है मैं कभी ऐसी चीजों को चुनौती नहीं देता हूं। मैं हर बात में से अच्छाई को ढूंढने का प्रयास करता हूं, अच्छाई को लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं। लेकिन साथ साथ ये भी जरूरी है कि उन चर्चाओं के बीच हमें ये भी याद करना होगा कि पहले की सरकार के समय 1 क्वार्टर में जीडीपी की विकास दर
3.5% तक पहुंच गई थी। याद करिए उस दौर में सीपीआई हेडलाइन इन्फ्लेशन कहां तक पहुंची, 9.4% तक। सीपीआई कोर इन्फ्लेशन कहां थी, 7.3%। WPI इन्फ्लेशन कितने तक पहुंची थी, 5.2% तक। फिस्कल डेफिसिट कहां तक गया था, GDP के 5.6% तक। उस समय GDP के अनेक क्वार्टर्स ऐसे गए जो अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज्यादा निराशाजनक थे। मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता कि उस समय कुछ लोग क्यों चुप थे। फ्रेंड्स, देश की अर्थव्यवस्था में ऐसे उतार चढ़ाव पहले भी आए हैं, लेकिन देश में वो सामर्थ्य है कि वो हर बार ऐसी परिस्थिति से बाहर निकला है और पहले से ज्यादा मजबूत होकर के निकला है। और इसलिए अभी की परिस्थिति से भी भारत और मजबूती के साथ और नई ताकत के साथ और नए संकल्प के साथ आगे बढ़ेगा, बढ़ेगा और बढ़ेगा। साथियों, भविष्य के लिए हमारे इरादे भी साफ हैं और हौसले बुलंद है, मेरे केस में कहना नहीं पड़ता है।